हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी अहम बात मिस ना कर पाए। ये वाटर फाउंटेन जो आप देख रहे हैं ये पर्शियन कैट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और टॉय डॉग्स के लिए भी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी जो कैट्स हैं और आपके जो डॉग्स हैं वो इतने नीट और इतने वाइट कैसे होते हैं और उनके फेस पर, नेक पर येलो स्टेन्स क्यों नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको अपना ये सीक्रेट बताने जा रही हूँ कि मेरी कैट और डॉग्स जो हैं इतने वाइट कैसे रहते हैं और उनके येलो स्टेन्स कैसे नहीं आते हैं। मैं उनके लिए ये वाटर फाउंटेन्स यूज करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो वाटर फाउंटेन कौन सा बेस्ट रहा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आप अपने टॉय डॉग्स या पर्शियन कैट के लिए खुले बर्तन का इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए, तो उसके अंदर डस्ट और गंदगी ज्यादा जाएगी। जब वो उसको पिएंगी तो उनके स्टेन्स पड़ने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि उनका जो फेस पानी के अंदर जाएगा तो ज्यादा गीला होगा और ज्यादा गीला जितनी देर रहेगा उतने ही स्टेन्स और बनेंगे। ये जो वाटर फाउंटेन या डिस्पेंसर है इनमें इनका फेस गीला नहीं होता, जिसकी वजह से इनको स्टेन्स नहीं पड़ते। इसके पीछे यही एक सीक्रेट है। अच्छा जी, ये देखें किस कदर ये वाइट है। मैंने अभी इसको बात नहीं दी है, 25 डेज हो गए हैं, मैंने बात नहीं दी है। वैसे मैं वंस अ मंथ इनको जरूर बात देती हूँ। यहाँ दो तरह के वाटर डिस्पेंसर मौजूद हैं। इस तरह का वाटर डिस्पेंसर 500 से 1000 तक की रेंज में मार्केट में अवेलेबल होगा। इसमें आप कोई भी वाटर बोतल अटैच कर सकते हैं, छोटी बोतल भी और बड़ी भी। इसमें खास बात यह है कि इसमें हर तरह की ब्रीड यूज कर सकती है और पानी पीने के बाद फेस ड्राई भी रहेगा। दूसरा वाटर डिस्पेंसर विद फूड डिस्पेंसर ऑलमोस्ट 1500 तक मार्केट में अवेलेबल है। इसके पानी पीने वाले एरिया में डिस्क मौजूद है। जब पेट्स पानी पिएंगे तो इनका फेस वेट नहीं होगा। अगर आप ऐसे खुले बाउल का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह पानी पीने से फेस वेट होगा और पॉसिबल है कि येलो स्टेन फेस पर बन जाए। जब ये डिस्क ऊपर पड़ी होगी तो वो जस्ट पानी लिख करके पिएंगे और इनका फेस नीट रहेगा। साथ ही इसका जो है फूड डिस्पेंसर है। कैट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस तरह का डिस्पेंसर मैंने जो रिसर्च किया है, कैट बिल्कुल लाइक नहीं करती हैं कि उनका खाना और पानी बिल्कुल साथ साथ पड़ा हो। उनको पानी की जगह अलग चाहिए, उनको खाने की जगह अलग चाहिए। ये मेरी अपनी एक रिसर्च और अपना एक व्यू था। आपकी मर्जी है, आप इस तरह का लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी रिसर्च है कैट को अपना फूड और अपना पानी बिल्कुल इकट्ठा रखना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर आप इस डिस्पेंसर पर भी अपने कैट को ट्रेन कर लें तो ये डिस्पेंसर भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें एक तो पानी बिल्कुल साफ रहता है, गला खराब नहीं होता, फ्लू नहीं होता, पानी का टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल रहता है, बहुत इजीली ट्रेन होते हैं। कुछ लोग बहुत डरते हैं कि पता नहीं किस तरह से इसमें से पानी पियेंगे। मैं इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है वो निकाल देती हूँ, कोई स्प्रिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से जो है लिक करने में इसमें इजी होता है डॉग्स को। अब जब इसके अंदर से आप स्प्रिंग निकाल देते हैं तो इसका जो बॉल है वो बहुत ही अच्छे से तेजी से मूव करता है और डॉग बहुत आसानी से इससे पानी पी लेते हैं। इसका स्प्रिंग तब मत निकालिए जब आप ट्रैवलिंग के लिए जेट बॉक्स के साथ अटैच करते हैं, वहां पर पानी लीक होने का ज्यादा खतरा होता है। अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसके अंदर से स्प्रिंग को निकाल दीजिए, फिर ये तेजी से पानी इसमें से पी सकते हैं डॉग। किसी भी केज के साथ, किसी भी जंगले के साथ हैंग हो जाता है बहुत आसानी से और जो है इसमें से डॉग बहुत अच्छे से पानी पी लेता है। मैंने बहुत सारे फाउंटेन्स बाय किए लेकिन मैंने इनमें सबसे बेस्ट किसको पाया है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो ब्लू है ये मैं इसको फर्स्ट नंबर दूंगी, क्योंकि मैंने जब इसको पहली बार ही घर में लाई थी तो कैट ने इसमें फौरन पानी पीना शुरू कर दिया था और मेरी जो तीन कैट्स हैं उनमें से एक भी इसको पीते हुए नहीं घबरा रही थी। जब मैं इसको लेके आई थी तो मेरी कैट ने बस एक दिन पानी नहीं पिया था, लेकिन सेकंड डे उन्होंने इसमें स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक सो कि वो लाइट इनके लिए एक नई चीज थी, इसलिए वो थोड़ा सा घबराए थे इसको पीते हुए, लेकिन उन्होंने सेकंड डे से इसको पीना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप भी ऐसा फाउंटेन लेंगे तो सिर्फ एक दिन लगेगा, आप उसे कहीं और पानी ऑफर ना कीजिएगा, वो इसी से फिर पानी पीना स्टार्ट करेंगी। इसकी ब्लू लाइट है और काफी अच्छी खासी तेज है और ये बड़ा अच्छा टैप शेप में है। मैंने यही सोचा था कि मेरी कैट जो है यहाँ से पानी पिएंगी, लेकिन जब ये आया तो उन्होंने यहाँ से पानी पीना ही स्टार्ट किया, लेकिन वो पानी पीते हुए क्या हुआ कि उनका हेड यहाँ आ जाता था और ये बिल्कुल उनके हेड पे पानी गिरता था और वो घबरा कर जो है पीछे हो जाती थी। तो इसलिए मैं थर्ड नंबर इसको दूंगी कि इससे मेरी थोड़ी कैट बहुत ज्यादा घबराई है पीते हुए, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, उनको यही लगा के रखा और थोड़े दिनों के लिए इनको बंद कर दिया, तो फिर मेरी कैट इस पे भी ट्रेंड हो गई थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी मुश्किल इसमें आई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वाटर फाउंटेन किस नेम से मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट में जो आप देख रहे हैं इसे फ्लावर फाउंटेन कहते हैं, मिड में स्वान फाउंटेन है जो विद ब्लू LED लाइट के साथ है,
लास्ट में एक पिंक फाउंटेन है जो हार्ट शेप में है विद ब्लू एलईडी लाइट के साथ। इन फाउंटेन के पानी का फ्लो बहुत ही स्मूथ है और कैट ऐसे रनिंग वाटर को बहुत ज़्यादा शौक से पीती हैं। वाटर फाउंटेन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें फ़िल्टर मौजूद होता है जिसे कार्बन या चारकोल फिल्टर कहते हैं, जिससे आपके पेट्स को डर्ट फ्री वाटर मिलता रहता है और किडनी में स्टोन्स पड़ने के चांस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ये बात तो आप सबको पता होगी कि कैट्स को किडनी प्रॉब्लम कितनी कॉमन है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न पानी को कम पीना है। इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और कैट को इनक्रेज करें कि वो दिन भर मुनासिब पानी पिए और उसकी वाटर ड्रिंकिंग की हैबिट को आप खुद इम्प्रूव करें। फ्रेश वाटर पेट्स की हेल्थ को मेंटेन रखता है और ये सिर्फ फिल्टर वाटर फाउंटेन से ही मुमकिन है। ये फिल्टर बैक्टीरिया, डर्ट और हेयर को पानी में मिक्स होने नहीं देती। इस तरह से आपकी कैट की बॉडी में टॉक्सिन रिमूव होने में हेल्प मिलती है। पानी कम पीने से बहुत सीरियस हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी कैट के पानी का इनटेक अच्छे से हो तो आप वाटर फाउंटेन को लाजमी लें। अगर आपकी कैट पानी कम पीती है तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसे आपको लाजमी नोट करना चाहिए। पानी कम पीने से कैट की कोट ब्राइट नहीं रहती, काफ़ी डल हो जाती है। डिहाइड्रेट होने से मुमकिन है उसकी स्किन में फ्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएं और आपकी कैट डिप्रेशन भी शो करेगी। इसलिए ओवरऑल वाटर फाउंटेन इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और नेक्स्ट भी आपको कोई ऐसी अहम मालूमात लेकर बताऊँ।